हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज का मैं इस वीडियो में आप सभी को IRCTC का न्यू रिफंड रूल्स के बारे में बात करने वाला हूं और आप लोगों को मैं कंफर्म टिकट लाइव कैंसिल करके दिखाने वाला हूं, प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले IRCTC का कंफर्म टिकट कैंसिल करने में कितना चार्ज लगता था और कितना नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले का मैं चार्ट ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूं स्लीपर क्लास का। 48 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते तो आपको 120 रुपये चार्ज कटता था पहले। इसके बाद ट्रेन खुलने से 12 घंटा पहले अगर आप ट्रेन का कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 25% अमाउंट लगता था। जैसे मान के चले 100 रुपये में 25 रुपये कट जाएगा, 75 रुपये आपको मिलेगा। इसके बाद ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% चार्ज कट जाएगा। 4 घंटा मतलब ट्रेन चले जाने के बाद नो रिफंड, चार्ट लग जाने के बाद नो रिफंड, और ट्रेन को चले जाने के बाद भी आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी तक का कैंसिलेशन चार्ज कितना लगता है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 240 रुपये एसी फर्स्ट क्लास का और एक्सक्लूसिव क्लास का लगता है, 200 रुपये सेकेंड एसी का और फर्स्ट क्लास का लगता है, ठीक है। 180 रुपये थर्ड एसी का और एसी चेयर कार का और एसी थ्री इकोनॉमिक क्लास का 180 रुपये लगता है। 120 रुपये स्लीपर क्लास का और 60 रुपये आपका सेकेंड क्लास का लगता है, पर पैसेंजर पर ये सब लगता है। तो 180 रुपये आप देख लीजिए, 180 रुपये एसी थ्री टायर का लग रहा है, ठीक है। और आपके इसके बाद आपको तत्काल का जो टिकट होता है वो आपको नो रिफंड मिलता है, जो कि अभी भी आपको नो रिफंड ही, नए वाला जो आपको मतलब जो चार्ट दिखेगा उसमें नो रिफंड ही होगा, ठीक है। उसमें तत्काल टिकट आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लाइव कैंसिल करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर चुका हूँ। होम पेज में बुक टिकट ट्रेन पर क्लिक करके कैंसिल टिकट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, होम पेज में मिल जाता है ट्रेन के ऊपर क्लिक करके आप कैंसिल टिकट पर प्रेस करेंगे। कैंसिल टिकट पर प्रेस करते ही आपको देखिएगा ई टिकट्स और काउंटर टिकट्स। आप काउंटर टिकट भी ऑनलाइन कैंसिल कर सकते हैं सेम इसी तरह से, ठीक है। तो मैं ई टिकट, जो मैं टिकट बुकिंग किया हूँ उसी टिकट को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ई टिकट्स पर क्लिक करता हूँ। ई टिकट्स पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंटरफेस ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। तो हम ये जो आपको सियालदह बलिया एक्सप्रेस दिखा रहा है 13105, ठीक है, 19 मई को जो फ्राइडे को है, मैं इसी ट्रेन का टिकट मैं आज कैंसिल करके आपको दिखा रहा हूँ लाइव, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 पैसेंजर है, ठीक है। दोनों पैसेंजर का टिकट मैं आज कैंसिल करके आपको दिखाऊंगा कि कितना चार्ज कटता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कन्वीनियंस फीस इंक्लूडिंग GST है 23.60 रुपये। इसके बाद टिकट फेयर है 1940 रुपये। टोटल अमाउंट मेरे को लगा है 1963.60 रुपये, ठीक है। तो मेरे को तो फिलहाल 1940 रुपये दिख रहा है, इसी में से रेलवे अपना चार्ज काट के मेरे को रिफंड करता है, आप सभी को रिफंड करता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे कि उसमें दिखा रहा था कि आपका 180 रुपये चार्ज कटता है थर्ड एसी को कैंसिल करने में, ठीक है। तो मैं थर्ड एसी का टिकट कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं इसको कैंसिल करके आपको दिखा रहा हूँ कितना चार्ज कटता है। तो ये 2 पैसेंजर है, ठीक है। दोनों पैसेंजरों को मैं टिकआउट कर लेता हूँ, क्यों हम दोनों का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया हूँ। करने के बाद एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ कि ये टिकट ही कैंसिल करना है। 21 जनवरी को मैं बुकिंग किया था, ठीक है, और 19 मई का ये टिकट था, 20 मई को, हाँ ठीक है। तो कैंसिल टिकट मैं कर देता हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही आप न्यू इंटरफेस देखिएगा, ओपन नहीं हुआ है, सर्वर थोड़ा डाउन आई। तो आपका टिकट मेरा सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो है 1940 रुपये जो दिखा था टिकट का। इसके बाद कैंसिलेशन चार्ज देखिए आप 380 रुपया, मतलब आपका 190 रुपये एक टिकट पर लगा है, ठीक है। हमको रिफंड अमाउंट 1560 रुपये, आप इसमें लाइव देख सकते हैं, पर पर्सन 190 रुपये करके मेरा चार्ज लगा है। पहले के मुताबिक देखा जाए तो पर पर्सन 180 रुपये थर्ड एसी का लगता है, एसी चेयर कार का भी और इकोनॉमिक्स क्लास का भी 180 रुपये चार्ज लगता है। जैसे कि अभी का डेट में आपका सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ चुका है रेलवे के तरफ से। तो अभी का न्यू चार्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है IRCTC की तरफ से, बहुत जल्द ही अपडेट हो जाएगा। अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को स्लीपर क्लास का भी कन्फर्म टिकट कैंसिल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।